अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, ठीक है। डार्क फेड इसमें देंगे हम, बिल्कुल ऑसम लुक आ जाएगी। सबसे पहले आपने आना है अपने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। पिक्सआर्ट में आते ही प्लस वाले आइकन पे जाना है और अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने एफ एक्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने ढूंढना है एफ एक्स ढूंढ के यहाँ पर आपने ब्लैक एंड वाइट ढूंढना है, ठीक है। ये जौन सी लुक है पहले ये आप ड्रामा टूल दे के बना सकते हो, ठीक है। अभी आपने जाना है ब्लैक एंड वाइट में, ये थर्ड वाला ब्लैक एंड वाइट आपने सेलेक्ट करना है, ये वाला। ये करने के बाद ऊपर इस पर क्लिक करना है, ठीक है, सेटिंग में, और फेड को आपने 1 या 2 कर देना है। ऊपर से कर देना अपने डन। उसके बाद दोस्तों आपने जाना है ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो में जाएं और ये वाली पीएनजी ले लें, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये होगा नीचे बैकग्राउंड में ब्लैक इफेक्ट देगी, ठीक है। ये जैसे होगा विग्निटी का इफेक्ट होता है, सेम वही होगा, लेकिन हमने इसमें ज़्यादा ब्लैक करना है, ठीक है। ये नीचे से डार्क इफेक्ट मिलेगा इसको, और ऊपर से अपने इसे कर देना डन। अभी आपने जाना है ड्रॉ वाले टूल के अंदर। ड्रा वाले टूल में जाएं, यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करें, ब्रश को कलर ब्लैक कर दें, डन कर दें ऊपर से। अभी ब्रश के ऊपर क्लिक करें और ये वाला ब्रश जो है तो स्मूथ वाला बना ना, ये वाला, हाँ, इसका साइज़ बड़ा कर दें और वो सेट कर दें नीचे से। ओपेसिटी 100 ही रखें। अभी लेयर के ऊपर चेक कर लें कि एम्प्टी लेयर पर ही हैं आप, क्योंकि ये सारा वर्क हम एम्प्टी लेयर पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने फेस के ऊपर नहीं करना, बस बैकग्राउंड पे करना है, ये ब्लैक कलर अच्छे से कर लीजिएगा। तो अभी मैं बैकग्राउंड में कर रहा हूँ इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। अच्छे से ब्लैक लगा के उसके बाद आपने जाना है इरेज़ पे, जहाँ पे आपको लगे कि फेस पे या बॉडी पे ज़्यादा हो गया वहाँ पे आपने इरेज़ कर लेना, ठीक है। ओपेसिटी कम करके इरेजर की फिर करिएगा। अभी आपको करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखें, ऐसे देखें कितना ऑसम लुक आ गया फ़ोटो में। जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया वहाँ से इरेज़ कर लेगा। तो उसे देखें फ़ोटो में कैसा लुक आ चुके। बीम से कर देंगे डन। डिस्कार्ड कर देंगे। अभी हम फिर से जाएंगे ड्रॉ वाले टूल के अंदर। और इसे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव टू डिवाइस कर लेंगे। अभी हम आ जाएंगे बैक। अब हम जाएंगे अपने अडोब लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। लाइटरूम में आपके प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, प्लस वाले आइकन में जाके इस फोटो को ऐड करेंगे यहाँ पे। अभी दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाके हम एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस में लेके जाएंगे, कंट्रास्ट को भी डिक्रीज करेंगे, हाईलाइट को भी माइनस में लेके जाएंगे और शेडो को हम बढ़ाएंगे। अभी हम वाइट को भी बढ़ाएंगे थोड़ा सा। अब हम ब्लैक को माइनस में लेके जाएंगे। फिर हम जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में। इसका कोई काम नहीं, नेक्स्ट टूल में चले जाएंगे हम इफेक्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे टेक्सचर को बढ़ाएंगे और क्लैरिटी को इनक्रीज करेंगे।
विग्निटी को हम माइनस में लेके जाएंगे। इसको मिड पॉइंट को भी हम माइनस में लेके जाएंगे, ज़्यादा नहीं करना ठीक है। उसके बाद आपने डिटेल में चले जाना ठीक है। शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है आपने, मास्किंग को करेंगे और नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा कर देंगे। तो दोस्तों हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, देखें देखें फुल डार्क लुक आ चुके हैं इसमें। अभी ऊपर शेयर वाले ऑप्शन में जाएं और सेव टू डिवाइस कर लें। दोस्तों फोटो हमारी एडिट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Like work and the pace on the track on my face and the fact like I'm taking a slap. I need a drink.